हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए 300 प्लस सेंटेंसेस सिखाएंगे जिसमें हम 30 सेंटेंस पर डे लिया करेंगे। तो आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम 30 सेंटेंस लेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपकी बोलचाल की भाषा में बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो शुरू होती है, वो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझसे झूठ मत बोलो। तो इसकी इंग्लिश होती है, डोंट लाई टू मी, डोंट लाई टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो आप कहोगे इंग्लिश में, आई एम किडिंग, आई एम किडिंग। नंबर 3 पे हमारा सेंटेंस है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी, यू शुड बी अशेम्ड, यू शुड बी अशेम्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे शर्मिंदा मत करो। तो आप कहोगे इंग्लिश में, डोंट एम्बरेस मी, डोंट एम्बरेस मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तो आप इससे बोलोगे इंग्लिश में, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हिचकिचाओ मत। जैसे आप किसी से कहो हिचकिचाओ मत, तो आप इसकी इंग्लिश बोलोगे, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। अगला सेंटेंस है हमारा, जुबान संभाल के, जुबान संभाल के। तो आप कहोगे, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, समझने की कोशिश करो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या मैं वजह जान सकता हूँ। जैसे कोई काम किया हो किसी व्यक्ति ने, तो आप उसकी वजह जानना चाहो, तो आप इसे इंग्लिश में किस तरीके से पूछोगे। तो आप इसकी इंग्लिश बोलोगे, मे आई नो द रीजन, मे आई नो द रीजन, क्या मैं वजह जान सकता हूँ। अगला सेंटेंस है हमारा, उसके जिम्मेदार तुम हो, उसके जिम्मेदार तुम हो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं ये यूं ही पूछ रहा हूँ, मैं ये यूं ही पूछ रहा हूँ। तो आप इसकी इंग्लिश बनाओगे, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या बेहूदगी है, क्या बेहूदगी है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे, वाइट नॉन सेंस, वाइट नॉन सेंस। अगला सेंटेंस है हमारा, कितनी शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। तो आप कहोगे, व्हाट ए शेम, व्हाट ए शेम। अगला सेंटेंस है हमारा, ज़्यादा भाव मत खाओ। जैसे आपको किसी से कहना हो ज़्यादा भाव मत खाओ, तो आप कहोगे, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। अगला सेंटेंस है हमारा, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे, इट इज़ नॉट ए बिग डील फॉर मी, इट इज़ नॉट ए बिग डील फॉर मी, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सेंटेंस है हमारा, बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत, बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत। तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। अगला सेंटेंस है हमारा, चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे, डोंट वरी इट इज नॉट ए बिग डील, डोंट वरी इट इज नॉट ए बिग डील। अगला सेंटेंस है हमारा, इसीलिए तो मैंने उसे पीटा, इसीलिए तो मैंने उसे पीटा। तो आप इसकी इंग्लिश बनाओगे, दैट्स वाई आई बीट हिम, दैट्स वाई आई बीट हिम। अगला सेंटेंस है हमारा, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। तो आप इसे बोलोगे, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, दैट्स व्हाई का मतलब होता है इसीलिए। तो इसीलिए जब आ जाए आपके सामने शुरुआत में, तो आप उसकी इंग्लिश लगाओगे, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, जो भी सेंटेंस होगा आप उसे बोल दोगे। अगला सेंटेंस है हमारा, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो आप कहोगे, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको दैट्स वाई का मतलब समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई।
अगला सेंटेंस है हमारा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुमने कोशिश की, क्या तुमने कोशिश की, तो इसकी इंग्लिश बोलोगे आप डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश की। अगला सेंटेंस है हमारा, वह नहा रहा है, वह नहा रहा है, तो ही इज टेकिंग ए बाथ, ही इज टेकिंग ए बाथ। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगला हमारा सेंटेंस है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो आप इसकी इंग्लिश बोलोगे व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या बात है, क्या बात है, तो आप इसकी इंग्लिश बताओगे, तो आप इसकी इंग्लिश बोलोगे व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, तो व्हाट इज द मैटर। अगला सेंटेंस है हमारा, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अगला सेंटेंस है हमारा, तुम क्या सोच रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है जो कि है तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।